किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ एक स्कैम कुछ दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। फोन कॉल आप मेरे को 5,000 2,000 10,000 नहीं देते हो तो ये रिकॉर्डिंग जाएगा अभी आपके प्रोफाइल पे, आपके फेसबुक पे या आपके इंस्टा। देख लो सामने कौन है। हाँ दांत दांत कहाँ है तुम्हारा? दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, ई करके। चलो हटो। तो टाइम हो रहा है अभी 12:48, पौने एक हो रहा है। आज एक एक अच्छा चीज आज भी शेयर करना है मेरे को, और विथ एग्जाम्पल। कल जो बताया थे स्कैमर वाला, वो आज हम थोड़ी देर में शेयर करेंगे विथ एग्जाम्पल। तो अच्छा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। तो कल एक्चुअली हुआ क्या कि नहीं, दो स्कैमर है। अब इसमें एक मेरे पास पहले मैसेज आता है, आज देखो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वो स्कैमर से ही लेके, क्योंकि ये टॉपिक मेन है आज का, इसलिए इसको शेयर कर दे। सो दैट मतलब ये बहुत हो रहा है अभी मार्केट में, और ये पिछला एक दो दिन से मेरे साथ तो इतना ज़्यादा हो रहा है, क्या पता है क्यों कहीं से कोई प्रोफाइल वोफाइल मेरा हैक करने की कोशिश हो रहा है या क्या हो रहा है, आई डोंट नो। बट फिर भी देखो प्रिकॉशन तो मेरे तरफ से सारा है, इसीलिए मैं बोला कि जो इंसिडेंट हो रहा है वो शेयर करें आप लोगों से। अब कल हुआ क्या कि एक मेरे पास इंस्टाग्राम पे, हाँ आ जाओ तुम पहले देख लो, ओके। हाँ सबसे बड़ा स्कैमर ये है। अरे बाप रे, आज सुबह सुबह उठा करीब कितने बजे, 5 बजे के आसपास उठा, और उठ के जैसे बोलता है बाह जा हूँ। हो गया तुम्हारा? हाँ तो सुबह उठ के बोल रहा है बाजाऊ, अब नींद में है, पूरे नींद में है, बाहर नहीं लेके जाने के वजह से खुशी पकड़ी गोद में और फिर से सुलाने का कोशिश की, सो गया तुरंत, लेकिन रोया भरपूर। अब वो नींद में ही बोल रहा था बाहर जाने के लिए, और उसके बाद फिर उठा है शायद कितने बजे, 9:30 या 10 बजे उठा है उसके बाद। तो उस वक्त से भाई साहब का यही चल रहा है, मूड में है आज पूरा एकदम, फिर आएगा अभी। तो नहाना वाना हो गया है, अभी ट्रांसफर होंगे। खैर चलो, जो हम लोग बात कर रहे थे स्कैमर वाला, तो 2:23 हो रहा है, और आज का व्लॉग ना रियली मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो भी जितने भी ये छोटा मोटा जो भी अपना एक ग्रुप है, मतलब जितने लोग भी मेरे को फॉलो करते हैं, करीब अप्रोक्स 2000 पहुंचने वाला है, 2000 सब्सक्राइबर। तो और कुछ दिनों से ये स्कैम वाला जो चक्कर ना काफी चल रहा है मेरे साथ, तो अब मेरे को लगा कि हो सकता है कोई फॉलो कर रहा हो, मतलब स्कैमर होता ना टारगेट कर लेते हैं किसी को, तो शायद मेरे साथ भी वही हो रहा हो कि मेरे को टारगेट कर लिया है, और किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ एक स्कैम कुछ दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। फोन कॉल हुआ, अभी इंस्टाग्राम वाला हुआ। तो दो इंस्टाग्राम का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वहां से मैं प्रॉपर क्या क्या हुआ कैसे हुआ वो दिखा, सो दैट क्या थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, इधर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या यूट्यूब है, व्हाटएवर जो भी मीडियम है आपके पास, तो थोड़ा सा ये आपको एक हेल्प हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल। अब यहाँ पे चलते हैं मैसेजेस में, ठीक है। मैसेज में मैं गया, ये प्रोफाइल सबसे पहले देखते हैं। ये देखो, ये एक बंदी है, यहाँ से आता है, तो ये मेरे पास एक मैसेज का रिक्वेस्ट आता है। प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं मोस्टली अभी देखो बहुत ज़्यादा कोई फॉलोअर इंस्टाग्राम में भी नहीं है, इसलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं देखने गया जब प्रोफाइल, मेरे को डाउट हुआ कि कुछ फेक है, और ये जब आपके कोई कनेक्ट में नहीं हो ना, तो वो मैसेज थोड़ा सा हिडन होता है, जब आप एक्सेप्ट करते हो तब दिखाता है कि उस बंदे ने क्या लिखा है। तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर देखो, एक लड़की है, बैक प्रोफाइल अपना डाल के रखा है, नाम वाम कुछ नहीं है, अजीब सा एक डैश अंडरलाइन करके डॉट ई करके रखा हुआ है। प्रोफाइल अगर देखोगे तो प्रोफाइल पे यहाँ पे दिखा रहा 164 फॉलोअर, 75 फॉलोइंग, 4 पोस्ट, अकाउंट प्राइवेट है। फर्स्ट यहीं पे आपको हिट करेगा कि प्राइवेट अकाउंट कभी नहीं जाना। अब चलो मैसेज पे चलते हैं। अब मैसेज पे सबसे पहला ये लोग जब भी आते हैं प्रोफाइल को अच्छे तरीके से स्टडी करके, कौन फ्रेंड है, क्या है, कैसे पोस्ट आपके जा रहे हैं, आप क्या करते हो, मतलब ऑलमोस्ट कोशिश होता है पूरा रिसर्च करके आने का। तो अब ये यहाँ से सबसे पहले ऐसा मैसेज आता है, दो हार्ट साइन, लाइक योर पोस्ट, डू यू गिव ट्रैवल एडवाइस। मैं सिंपली वहां पे रिप्लाई किया, व्हाट डू यू वांट टू नो। अब आर यू फ्रॉम एशिया? आई एम फ्रॉम स्पेन, आई वाज लुकिंग फॉर सम सजेशंस फॉर माय अपकमिंग एशिया ट्रिप। मैं उसको लिखा आई एम फ्रॉम इंडिया, दैट्स ग्रेट, हैव यू बीन हियर? यू डोंट नो।
मेरा रिप्लाई था नो, आई वॉज प्लानिंग अ ट्रिप टू नेपाल इन इंडिया दिस दिसंबर, हिमालयन विंटर ट्रिक, मतलब ग्रेट. मैं एकदम कट टू कट बात कर रहा हूँ. यप, आई एम एस्मेराल्डा, आई एम सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, तो ये नाम उसने बताया, योर नेम. मैं अपना सही नाम नहीं बताया, मैं यहाँ पे लिखा साहिल. व्हाट डू डू फॉर लिविंग, यहाँ भी मैं कुछ नहीं बताया, मैं बोला कि इसको देखता हूँ काउंटर करके, मैं बोला नथिंग. अब वो वहां से अपना प्रोफाइल सारा शेयर करने लगे, आई एम स्टडिंग आर्किटेक्चर, आई एम डूइंग पार्ट टाइम जॉब एंड लव ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. ग्रेट, मेरी तरफ से वही एक रिप्लाई. यप, आई वर्क एज अ बॉडी मसाजर पार्ट टाइम. अब ये यहाँ से खेला शुरू हो रहा है, मतलब एक्चुअल जो कंटेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि वो किस लाइन पे आना चाह रही. मैं वहां फिर रिप्लाई, या ग्रेट. उसके बाद फिर हाउ ओल्ड आर यू, मैं यहाँ सही एज नहीं बताया, मैं लिखा 55. ठीक है, वो यहाँ पे मेरे को बोल रही है कि यू लुकिंग सो यंग. इसने फोटो वोटो सारा मेरा देख लिया है, दैट्स इंस्पायरिंग, आई एम 23. मैंने उससे पूछा भी नहीं, वो अपना एज बता रही है. मैं उसको रिप्लाई किया, आई डू योगा रेगुलरली बट यू लुक ओल्डर. अब मैं यहाँ पे काउंटर कर रहा हूँ उसके साथ, जस्ट टाइम पास हो रहा है. तो यहाँ पे उसके साथ जो डिस्कशन हो रहा है, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि और इन डेप्थ जाके जानने का कि एक्चुअल क्या है मोटो. ये डिस्कशन आप देखोगे, मैं जब उसको बोला कि यू लुक ओल्डर 35 आई गेस, वो काउंटर कर रही है नो आई एम 35. मैं उसको बोला कि आई सॉ योर फोटो, वो कंफर्म कर रही है कि तुम मेरा फोटो देख ही नहीं सकते बिकॉज कहीं पे मेरा कोई फोटो पोस्टेड नहीं है. मैं लिखा मैं हैकर हूँ, ये सीक्रेट है, मैंने देखा है तुम्हारा फोटो. अब ये करते करते बहुत डिस्कशन के बाद ये जो प्रोफाइल था इनका कैसा गेम होता है वो देखो, कैसे ये आपको कन्विंस करती है या कैसे ये आपको ट्रैप में फंसाती है. डिस्कशन एक लेवल तक आने के बाद, जैसे मसाज वाला बोला ना, लोग एक्साइटेड में आके लास्ट में क्या करेंगे, फोटो देखना चाहेंगे कि तुम अपना फोटो दिखाओ, तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा दिखाओ तुम्हारा. तो वो पर्सनल, वो ग्रुप में कोई है, मैंने प्रोफाइल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर्सनल मैसेज में आपको वो फोटो भेजेगी. वो फोटो होगा सेमी न्यूड या कुछ ऐसा होगा जो आपको और ज्यादा फोर्स करेगा कि आप डिस्कशन को आगे बढ़ाएं. वैसा फोटो आने के बाद इनका जो सेकंड स्टेप होगा, क्योंकि ये घटना ऑलरेडी मेरे एक फ्रेंड के बेटे के साथ घटी हुई है. अब नेक्स्ट जो इनके पास आएगा वो आएगा क्या, कि फोटो देख देख के आपको एक ऐसे कंफर्ट जोन तक लेके जाएगी जहां पे आपको लगेगा कि नहीं, इससे मेरा डिस्कशन आगे बढ़ना चाहिए. वो करते करते अब यहाँ पे नंबर शेयर होगा, वो आपका नंबर मांगेगी और वहां पे बोलेगी मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ. वीडियो कॉल जब होगा तब यहाँ पे आप क्या करना है, देखो वीडियो कॉल होगा और वो रिकॉर्डिंग होगा उस लड़की के तरफ से, जहां पे ऑलरेडी एक प्री रिकॉर्डेड सेमी न्यूड लड़की या न्यूड लड़की व्हाटएवर वो चला के रखेंगे और आपका स्क्रीन वहां पे रिकॉर्ड होगा और आपको लगेगा आप उससे बात कर रहे हो. और ये स्क्रीन रिकॉर्ड होने के बाद एक सपोज 5 मिनट का अगर रिकॉर्ड हुआ, 5 मिनट बाद वो मैसेज आपको आएगा कि अगर आप मेरे को 5,000, 2,000, 10,000 नहीं देते हो तो ये रिकॉर्डिंग जाएगा अभी आपके प्रोफाइल पे, आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, व्हाटएवर, और मैं इसको वायरल कर दूंगी. यहाँ पे जो बंदा है वो फंसता है. अब मेरे को जहां तक याद है, मेरे जानने वाले ने शायद 2,000 रुपये उसे डिमांड हुआ था, वो 2,000 देने वाला था, तभी शायद उसके पापा से, वो शायद पेटीएम का लिंक मांग रहा था, तो उसके पापा उसको रात को बोले कि इतने रात को, शायद 12 या 12:30 बजे के आसपास का केस है, बोले कि इतने रात को तुम पेटीएम क्यों चाहिए तुमको, तो बोले 2,000 एक दोस्त को भेजना है. वहां पे जब वो इंक्वायरी किए तब पता चला कि ये तो केस कुछ और है. तो ये चीज आप पूरा ध्यान रखना, बिकॉज ऐसे मैसेजेस आपको बहुत आएंगे, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे भी. मोस्टली अभी बहुत लोग फेसबुक पे एक्टिव हैं, जो लोग मतलब बहुत सारे घरों में क्या है ना कि मम्मी पापा का फेसबुक अकाउंट बना दिए हो और वो लोग अक्सर उस पर रहते हैं, और इनका टारगेट ऐसा ऑडियंस होता है जिसको ये इजीली ट्रैप में फंसा सके. ये एक चीज गया, मैं यहाँ से ये समझ गई कि ये मेरे जाल में फंसने वाला है नहीं, तो ये बंदी निकल गई है. देखो लास्ट में यू लिव अलोन, आई एम लिविंग विद फैमिली, व्हाट इज जॉइंट फैमिली कर करके जब लास्ट तक डाल नहीं गला तो ये बंदी गायब हो गई, उसके बाद और कोई रिस्पॉन्स नहीं. एक दूसरा मैसेज आया कल, कल वाला जो मैसेज आया ये एक मेरे काफी क्लोज क्लाइंट कम फ्रेंड है, मैंने इनके साथ करीब मेरा 12-15 साल का रिलेशन है, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में एक साथ काम किया, मैं इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट किया, चूंकि मैं आईटी से हूं तो फॉरेन के क्लाइंट बेस है मेरे. अब इस प्रोजेक्ट में सॉरी इनके साथ जो काम वाम होता रहा, तो बीच में हमारा अभी प्रोजेक्ट बंद है, कोई काम वाम नहीं हो रहा. ऑल ऑफ अ सडन 3-4 दिन पहले मेरे पास एक रेमिटेंस आता है, मतलब फॉरेन से एक फंड आता है, कनाडा के क्लाइंट है तो कैनेडियन डॉलर आता है, एक मेरा क्लियर होता है करीब 39,000 का,
दूसरा क्लियर होता है 13,000 का। बैक टू बैक ये दो पेमेंट करीब 15 या 20 मिनट के गैप में मेरे पास आता है। मैं उस क्लाइंट को मैसेज करता हूँ उनके व्हाट्सएप पे कि आपने मेरे को कोई पैसा भेजा है, उनका रिप्लाई आता है नो मस्ट बी फेक। अब मेरे को बोला फेक पैसा कोई मेरे को कैसे भेज देगा, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं होल्ड करके रखा उस पैसे को उसी अकाउंट में। मैं बोला चलो वेट करते हैं क्या होता है। 2 या 3 दिन बाद मैं देखा फिर वो पैसा नेगेटिव हो गया, मतलब वो रिटर्न हो गया जहां से आया था या क्या हुआ, बट वो रिटर्न हो गया पैसा। तो समहाउ कुछ उनके अकाउंट से हो रहा था जो कि शायद बैंक को लगा कि सस्पिशियस है, इसलिए बैंक वहां पे एक्शन लेके उसको सेटल कर दे, जहां तक मेरे को समझ में आया। बिकॉज क्लाइंट को भी उसका आइडिया नहीं है, मेरे पास जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में दिखा मेरे को, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर बैक हो गया। तो चलो ये मैटर गया। कल रात को मेरे पास उसी क्लाइंट के, मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ पहले रुको, ये स्क्रीनशॉट आप देखो। उसके बाद उसी क्लाइंट के इंस्टाग्राम से मेरे को एक रिक्वेस्ट आता है। अब जो रिक्वेस्ट आया मेरे को, वो रिक्वेस्ट में मेरे को ये स्क्रीनशॉट पहले देखो, रिक्वेस्ट में सारा डिटेल्स है। मैं तुरंत एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद अब मैसेज यहां से देखना शुरू करो, बिकॉज वो बंदा अभी ये मैसेज वैसा नहीं आ रहा, बिकॉज वो बंदा अपना प्रोफाइल डिलीट कर दिया है या डिलीट ही कर दिया है, बिकॉज प्रोफाइल दिख नहीं रहा है। तो उस बंदे ने लिखा मेरे को हाय, मैं रिप्लाई किया यस सर हाउ आर यू, सॉरी आई एम हैप्पी हाउ अबाउट यू। यहां तक मेरे को लग रहा था जेन्युइन है। फिर एक पल के लिए मेरे को लगा कि वो तो मेरे से व्हाट्सएप पे बात करता है, इंस्टाग्राम पे चैट करेगा नहीं। यहां मेरे को डाउट हुआ। अब वहां से रिप्लाई आई एम गुड वेयर आर यू नाउ, ये क्वेश्चन भी मेरे को समहाउ थोड़ा सा लगा कि हाँ वो पूछ सकता है, बिकॉज मैं ट्रेवल बहुत करता हूँ, ट्रेवलिंग का शौक है मेरे को, तो शायद इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं लिखा होम ओनली, तो आई नीड अ हेल्प। अब यहाँ पे मेरे को डाउट हुआ कि शायद प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई हेल्प होगा। यहाँ तक भी मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब जा रहा था। मैं बोला यस आई एम अवेलेबल। फिर जो क्वेश्चन आया डू यू हैव गूगल पे, ये डाउट करने वाला बात है, बिकॉज एक मेरा क्लाइंट है कैनेडा में, वो मेरे से क्यों पूछेगा तुम्हारे पास गूगल पे है। चलो पूछ भी लिया। अब मैं बोला यस, हैड टू ट्रांसफर सम मनी टू अ फ्रेंड विल यू। मेरे को यहाँ पे अब 100% श्योर हो गया कि ये कोई स्कैमर है। मैं बोला हाउ मच, वो लिखा 35,000, आई विल रिटर्न इन द मॉर्निंग इन द टुमारो मॉर्निंग। मैं बोला ओके चलो। ये मैसेज के बाद मैं इमीडिएटली क्लाइंट को फोन करके बता दिया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा तुम्हारे साथ, तुम सबसे पहले अपने अकाउंट को देखो, और अगर कोई है आसपास जो लोग कोई ऐसा मैसेज आ रहा तो सबको अलर्ट करो। तो वो अपना स्टोरी स्टोरी डाल के वो अपना वहां से करने लगा। मैं इस बंदे से अब ज्यादा डिस्कशन शुरू किया। यहाँ पे मैं लिखा यस आई विल डू दैट, सेंड मी द डिटेल्स, नंबर भेजा, ये नंबर है, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करो, आई मीन कोई भी यूपीआई ऐप पे, तो दिख जाएगा। कोई आकाश कदम कांबले करके कोई नाम दिखा रहा था, वो बोला इस नंबर पे भेजो। बोला कूल शैल बी डन। मैं और डेप्थ में जा रहा था, ओनली 35,000, बोला ओके मैं और जा रहा हूँ, आई कैन डू मोर। मैं बोला 50,000 भेज देता हूँ, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 तुम बोलो। अब ये बंदा और थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया कि अरे ज्यादा पैसा मिल रहा है। वो फिर अब लालच में आके बोलता 50,000। मैं बोला ओके नाउ ट्रांसफर। मैं बोला सेंड, कुछ भेजा नहीं हूँ उसको, ऐसे ही लिख दिया सेंड, टेल हिम टू चेक। अब ये यहाँ पे सरप्राइज है, पूछ रहा है इज इट डन। हम बोले यस सेंड डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट। ये बंदा अब मेरे से मांग रहा है स्क्रीनशॉट। जब स्क्रीनशॉट मेरे से मांगा तब मैं यहाँ पे अब जो इसको मैसेज किया, ये डराने वाला इसके लिए मैसेज था। मैं बोला लेट मी कॉल यू, आई एम कॉलिंग ऑन योर पर्सनल नंबर, यू डोंट ट्रस्ट मी बडी। इसके बाद एक रोने वाला स्माइली भेजा, दैट्स हाउ यू ट्रीट फ्रेंड्स लाइक मी। ये मैसेज के बाद ये भाई साहब गायब, इनका कोई नामो निशान नहीं है। मैं लास्ट में और थोड़ा सा पोक किया, आकाश वेयर आर यू, प्लीज कम ऑनलाइन, प्लीज प्लीज प्लीज। बट लास्ट में अगर आप ये प्रोफाइल देखोगे तो ये प्रोफाइल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग हैं जो लोग की टेक्निकल नहीं होते हैं, बट ऐसे ट्रैप में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। तो आप कभी भी ऐसा कुछ भी आए, सपोज आपके घर से कोई ऐसा मैसेज कर रहा हो, अपने फ्रेंड से फैमिली से, आप उनके पर्सनल फोन पे फोन करके उनसे कंसल्ट कर लो पहले कि आपको रियली पैसा चाहिए, आपने मैसेज किया है पैसे के लिए, कन्फर्मेशन के बाद ही भेजो। बिकॉज हो सकता है बहुत बार जेन्युइन मैसेज आए लेकिन इस स्कैमर के डर से आप नहीं भेज पाओ या नहीं भेजो, तो इट्स बेटर कि उनको कॉल कर लो, कॉल करके समझ लो उनसे कि अगर वो बंदा रियली हेल्प चाहता है या किसी को भेजना चाहता है तो उनको भेजो। तो यही था छोटा सा आज का एक व्लॉग में, और ये कुछ दिनों से हो रहा है मेरे साथ, मतलब ये करीब 3-4 ऐसा हो गया। तो जो भी है लगा हुआ है मेरे पीछे,
और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मेरे को ट्रैप में फंसाया जाए, फंसा के इनसे पैसा लिया जाए या क्या करने की कोशिश कर, आई डोंट नो। तो एक इन्फॉर्मेशन था, चूंकि ब्लॉग्स मेरे आते हैं रेगुलर, ट्रैवल का हो या डेली हो, तो ये भी एक मेरे को पार्ट लगा कि शेयर करना चाहिए, इसलिए कर दिया। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर कोई आपका कमेंट हो, कुछ सुझाव हो, या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो प्लीज शेयर करना। सो दैट क्या है, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।